के बारे में बात की है, जिसमें हमने डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक जैसी कई तरह की बीमारियों के बारे में समझा और उनके उपायों के बारे में भी बात की। तो इसी कड़ी में आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, जिनसे हम कई तरह की मानसिक बीमारियों के साथ साथ सोशल एंजाइटी के बारे में भी बात करेंगे। संजीव जी, आपका वॉइस ऑफ राइट्स के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सोशल एंजाइटी के बारे में बताएं कि आखिर ये किस तरह की बीमारी है, क्योंकि पहले भी जब हमने इस बारे में चर्चा की तो कई बार आपने इस शब्द का, इस बीमारी का, या फिर ये जो लोगों में नई तरह की चीजें डेवलप हो रही है इसका जिक्र किया है। तो मैं चाहूंगी कि आज पहले तो आप हमें ये बताएं कि किस तरह की बीमारी है या फिर इसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं, लोगों को इसके बारे में क्या जानना जरूरी है। जी जी बिल्कुल, मैं इस पर थोड़ी बात करूंगा। सोशल एंजाइटी बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आती है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स की जैसे हम लास्ट में भी हमने बात की है, बहुत तरह की सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। उसमें खास तौर पर सोशल एंजाइटी बहुत ज्यादा लोगों के जीवन पर प्रभाव डालता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपन आज सोशल एंजाइटी पर अगर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोगों की वाकई में व्यक्तिगत रूप से बात कर पाएंगे। क्योंकि सोशल एंजाइटी एक ऐसा इशू है जो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। जैसे आपने बोला कि नई नई समस्याएं, तो नई नई समस्याएं इस सेंस में ये नई है क्योंकि ये तो रही तो पहले भी है, पर लोगों की लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं था, इतना सोशल एक्सपोजर नहीं था। तो जैसे जैसे सोशल एक्सपोजर बढ़ा है, लोगों में सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत खुलकर सामने आई है और लोग सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस करते हैं। तो सोशल एंजाइटी बेसिकली एक ऐसी मानसिक समस्या है, एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें लोगों को सोशलाइज होने में बहुत डर महसूस होता है, एंजाइटी महसूस होती है, और ऐसे लोग बहुत ज्यादा अवॉइडेंस दिखाते हैं, सोशल अवॉइडेंस खासतौर पर, और बहुत ज्यादा अपने कंफर्ट जोन को पसंद करते हैं। तो ये इस तरह से जब वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे अवसर्स को, बहुत सारे ऐसे मौकों को वो चूक जाते हैं जिनमें वो बहुत अचीव कर सकते थे या बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। ऐसे लोगों में बहुत तरह की क्वालिटीज होती हैं लेकिन वो लोगों के सामने नहीं आ पाती क्योंकि उनकी सोशल एंजाइटी एक इशू होता है। जी बिल्कुल। तो संजीव जी, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर या फिर किसी भी एक आम व्यक्ति के अंदर ये बीमारी डेवलप हो रही है या फिर वो इस बीमारी से ग्रसित है? जी, सोशल एंजाइटी वाला व्यक्ति, एक तो आप ये समझ लें कि सोशल एंजाइटी हमेशा उसको सोशल सिचुएशंस में ही होगी, वैसे नहीं होगी, और बाकी लाइफ में वो नॉर्मल रहता है। और वो अपनी सोशल एंजाइटी को तब महसूस करता है जब वो किसी से इंटरेक्ट कर रहा होता है, और खासतौर पर जब वो समूह में इंटरेक्ट कर रहा होता है, जब बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं तो वो उसको ज्यादा डिफिकल्टी होती है। जैसे अगर वो स्टेज पर उसको बोलने का मौका आए या वो किसी मीटिंग में बोलने की स्थिति उसकी बनती है तो ऐसी स्थिति में बहुत घबरा जाता है, बहुत डर जाता है और हमेशा अवॉइड करता है, मतलब वो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए पार्टिसिपेट करना। तो सिर्फ सोशल सिचुएशंस में ही उसको जब एंजाइटी होती है तो हम कह सकते हैं एक तरह की सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो वही अगर हम इस बीमारी की या फिर यूं कहें कि सोशल एंजाइटी की बात करें तो इसका समाधान क्या है, कि लोग कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, कैसे वो सोशल एंजाइटी से बच सकते हैं? जी, सोशल एंजाइटी बेसिकली लोगों में एक ऐसी ऐसे लक्षणों को दिखाता है जब वो सोशली इंटरेक्ट नहीं करता। तो इसकी अगर वो बीमारी है, डिसऑर्डर है, तो पहली बात तो है कि हम उसको बहुत इनिशियल लेवल पर पहचान लें। तो ये आपको बहुत बच्चों में भी कई बार आपको देखने को मिलेगी क्योंकि बच्चे बहुत सोशलाइज नहीं हो रहे हैं और बच्चे जब भी कोई सोशल सिचुएशन होती है या गैदरिंग होती है तो उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम बच्चों को पहचान सकते हैं। बड़ों में भी ये कई बार बहुत बाद में डेवलप होती है एंजाइटी, और उनके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ऐसा मौका रहा है उनकी लाइफ में, कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और वहां पर उनको बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस हुआ, उसके बाद से वो एंजाइटी उनकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों में अगर हम देखें तो कई बार हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पेरेंट्स को लगता है कि वो उसका नेचर है, वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको नेचर मान लिया जाता है और उस पर कोई काम नहीं किया जाता, उसकी मदद नहीं की जाती है। तो अगर आप ऐसा देख रहे हैं, वो इनिशियल लेवल पर देख रहे हैं, आपका कोई इवेंट, कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ है जिसके बाद आप में चेंजेस आए हैं, बच्चे में चेंजेस आए हैं, तो फिर आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट मदद करते हैं उसकी काउंसलिंग के द्वारा उसके डर को निकालने की, और साइकोथेरेपीज की मदद से उसकी एंजाइटी को ठीक करने में उसकी हेल्प करते हैं। और कई बार जब सोशल एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है तो उसमें कई बार उसमें साइकेट्रिस्ट का रोल भी होता है, उसमें हमको मेडिसिन भी के लिए भी एडवाइस करना होता है, साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करना होता है। तो जब किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को उस चीज का अनुमान होने लगता है या फिर उसके आसपास के जो लोग हैं वो उस चीज को समझने
समझा ढंग से कि ये ऐसा नहीं था और ये ऐसा बनता जा रहा है, या फिर कुछ लोग बच्चे शायद बचपन से वैसे होते हैं, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये चीज आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि उसका बिहेवियर कुछ अलग है। तो जब व्यक्ति को ये समझ अगर आने लगता है कि वो सोशल एंजाइटी जैसी किसी बीमारी के घेरे में है, तो उस वक्त बीमारी की रोकथाम के लिए वो क्या उपाय कर सकता है कि वो इस बीमारी को शुरू होते से रोक पाए। देखिए, सोशल एंजाइटी जैसे मैंने बताया कि कोई उसकी लाइफ में इवेंट अगर होता है तब होता है, या फिर वैसे बात करें कि इसमें कई बार बायोसाइकोसोशल कारण होते हैं, बायोलॉजिकल कारण में कई बार उसके पेरेंट्स में या उनकी फैमिलीज में किसी को ये प्रॉब्लम होती है, तो उस बच्चों में वो संभावना मौजूद होती है। हमेशा सोशल एंजाइटी अगर डेवलप हो रही है तो वो या तो बचपन से होगी या बाद में भी होगी, पर उसमें पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो जेनेटिक्स उसके अंदर है। तो जब भी वो परिवर्तन उसमें दिखाई देंगे तो वो हमेशा अवॉइड कर रहा होगा सोशल सिचुएशंस को, और आपको लगने लगेगा कि ये शायद शर्मा रहा है, पर वो कई बार शर्माना नहीं हो सकता, हो सकता है कि वो एक तरह की सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर कर रहा हो। तो उसके विचारों में, उसके भावनाओं में, उसके व्यवहारों में आपको नकारात्मक अंतर दिखाई देगा, एक सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखाई देगा, और या फिर आपको दिखाई देगा कि वो उन सिचुएशंस को अवॉइड कर रहा है। तो आप उसको पहचान सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये मैं एक चीज और प्रकाश डालना चाहूंगा इस बात में कि जिन लोगों में भी एंजाइटी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि बायोसाइकोसोशल कारण होते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल कारण भी बहुत सारे होते हैं, तो बच्चों में जब कोई ऐसी सिचुएशंस आ गई यहाँ वो परफॉर्म नहीं कर पाए सोशली, उनको ऐसा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस हुआ या उनको ऐसा लगा कि उनकी इंसल्ट हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में वो उनके अंदर एक सदमे की तरह एक बैठ जाता है और वो उसको एक बिलीव की तरह डेवलप कर लेते हैं कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, या मैं सोशलाइज मुझे होने में मुझे दिक्कत महसूस होती है, तो इसलिए फिर वो अपनी एंजाइटी को मेंटेन करने के लिए उन सिचुएशन से हमेशा अवॉइड करता है। ऐसे लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, बेसिकली आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे जो बचपन से बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और ऐसे बच्चे कई बार बहुत क्रिएटिव होते हैं, मतलब आपको सोशल सिचुएशन के अलावा आप देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा वो, एक बार बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, एक बार बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छा हो सकता है, और बहुत इमोशनल होगा। लेकिन हमेशा सोशल एंजाइटी के अलावा कई बार अपनी पढ़ाई में भी हो सकता है बहुत अच्छा कर रहा हो, तो जब पेरेंट्स देखते हैं कि वो पढ़ाई अच्छी कर रहा है, बाकी सारी चीजों में अच्छा है, तो उनको ऐसा लगता है कि मैटर नहीं करता कि वो सोशल इतना अच्छा नहीं है। तो ये जरूरी है कि आप ये देखें कि उसके सभी आयामों में वो बच्चा बराबर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए सोशल सिचुएशन को अगर अवॉइड कर रहा है तो हमको डेफिनेटली उसको पहचानना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। जी, तो क्या इस बीमारी से कुछ हम पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर चेंजेस भी है कि बच्चा या फिर यूं कहें कि यूथ में भी अगर वो सोशल हो रहे हैं या फिर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आए, जैसे वो कुछ नेगेटिव बिहेव करने लगे, नेगेटिव थॉट्स उनके ऊपर हावी पड़ने लगे, क्या इसका भी कोई रोल उसके बीच में होता है? जी बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि बच्चा कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो आपको लगता है कि वो जस्टिफाई कर रहा है कि वो क्यों सोशलाइज नहीं होता, क्योंकि उसके दोस्त सब गंदे हैं, उसके लोग उनसे वो उनको अच्छा नहीं लगता है कि वो उससे जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो बोलता है कि नहीं मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं तो अपना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई में ध्यान दूंगा, मुझे अभी ये सब नहीं करना है, इसके लिए मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, तो आपको भी लगेगा कि बच्चा सही बात कर रहा है, तो आपको भी लगेगा कि हाँ बाकी दुनिया बहुत खराब है और हमारा बच्चा का बाहर निकलेगा तो बुरी बुरी बातें सीखेगा, तो वो जस्टिफाई कर लेता है। लेकिन इस तरह के एक इम्यूचुअल डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी बातचीत में आपको ऐसा लगेगा कि वो डिफेंस कर रहा है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और आप कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन से कन्विंस हो जाते हैं, तो लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि ये इरेशनल है, मतलब बहुत अतार्किक है जिस तरह की बातें वो कर रहा है, उसको पहचान पाएंगे तो आप डेफिनेटली उसकी मदद कर पाएंगे, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं उनको कि वो सोशल सिचुएशन में किस तरह का बिहेव करता है, किस तरह की चीजें नेगेटिव चीजें अडॉप्ट करता है। जी, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोगों को पीछे दिखाने की कोशिश करता है, बट असल में वो पीछे जा रहा होता है। जी, तो वैसे कुछ लोगों का नेचर ही होता है, क्योंकि आमतौर पे हम देखेंगे तो कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लोगों से मिलना पसंद नहीं होता है, अगर बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो वो खामोश रहते हैं, और उनका वो बिहेवियर बचपन से होता है, मतलब कुछ लोगों में और टाइम के साथ आता है, और कुछ लोग ये समझते हैं कि ये मैच्योरिटी है हमारी कि हम ये सब नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये कोई बीमारी है या फिर ये उस पर्सन की पर्सनल चॉइस है और वो चाहता ही नहीं है लोगों के बीच में जाना, तो इस टाइम पे मतलब क्योंकि ये तो बड़ी ही मुश्किल सी बात हो जाए, वैसे भी मानसिक बीमारियां अधिकतर जिन चीजों की हमने बात की वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा है, कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर वैसा होता ही है जिसमें हम निकल के आती है कोई ना कोई ऐसी बीमारी जो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी।
हावी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे हम दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करें कि ये कोई बीमारी है या फिर ये हमारा व्यवहार ही है? देखिए, हम बहुत सारी मानसिक बीमारियों की बात करते हैं जिसमें हमको ऐसा लगता है कि सारी चीजें तो हमें भी मौजूद है, हम भी बहुत सोशल अवेयरनेस दिखाते हैं, बहुत सारे चीजों पे हम घबरा जाते हैं, बहुत सारी चीजों पे हम सैडनेस महसूस करते हैं, हम एंजाइटी महसूस करते हैं। लेकिन वो जैसा मैंने पिछले हमारी बातचीत में मैंने कहा है वैसा कि वो एक सिग्निफिकेंट चेंजेस होता है, वो बेसिकली क्वांटिटेटिव चेंजेस है, वो क्वालिटेटिव चेंज नहीं है, उसका अत्यधिक है, मतलब वो ज्यादा है, वो लक्षण ज्यादा है, मात्रा में है, अपने को कभी लगते हैं हमेशा नहीं लगते हैं, उसको हमेशा लगेगा। और दूसरा क्या है, नेचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो जो नेचर जब होता है तो वो बिल्कुल बचपन से ही मिलेगा आपको देखने को, तब आप कह सकते हैं उसका साइन नेचर है। और दूसरा बात यह है कि उसके शर्मीले स्वभाव को पहचानने के लिए हम ये देखेंगे कि उसमें किसी तरह की एंजाइटी या डर नहीं है, वो सिर्फ उसको इंटरेस्ट नहीं है या वो शर्मीला है, मतलब उससे बात करने में उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो शर्म महसूस करता है, लेकिन उसमें किसी तरह की एंजाइटी, घबराहट, डर, बेचैनी, ये सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर वाला, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर वाला जब भी सोशल सिचुएशन में जाएगा तो घबरा जाएगा, उसकी आप देखेंगे उसकी पल्स बढ़ी हुई होगी, उसकी सांसें बढ़ गई होंगी या उसके हाथों में पसीना आने लगेगा, इस तरह के सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, तब भी आप इसको पहचान सकते हैं कि इसको सोशल एंजाइटी है। जी, तो आपने हमारे लास्ट शो में भी हमसे बात की थी कि सोशल फोबिया भी एक चीज होती है जो लोगों के अंदर देखने को मिलता है, उनके अंदर एक डर होता है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सोशल एंजाइटी और सोशल फोबिया में क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीजें कैसे अलग है? जी, सोशल एंजाइटी और सोशल फोबिया को हम इस तरह से अलग कर सकते हैं कि सोशल एंजाइटी में व्यक्ति हमेशा ही सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करता है, हालांकि सोशल फोबिया वाला भी अवॉइड करता है, लेकिन सोशल फोबिया वाले में आपको कुछ ऐसे सारे लक्षण देखने को मिलेंगे जो सोशल एंजाइटी वाले में नहीं मिलेंगे। तो सोशल एंजाइटी वाला अवॉइड करेगा क्योंकि वो वहां जाता है तो उसको एक घबराहट होती है, एक डर का एहसास होता है और वो आ जाता है, उसको उसके एहसास जो होते हैं वो कई बार सिर्फ इमोशनल लेवल पर होते हैं। लेकिन फोबिया वाले व्यक्ति में आपको ये देखने को मिलेगा कि उसमें सारे लक्षण डेवलप हो जाते हैं, वो कई बार शिवरिंग करने लगेगा, कई बार आपको देखेगा उसके हाथों में पसीना, उसको घबराहट, मतलब आपको ऐसा पल्स बढ़ी हुई लगेगी, उसका चेहरा लाल हो जाएगा और वो अत्यधिक घबरा जाएगा, मतलब उसका जो घबराना है वो आपको ऐसा लगेगा जैसे लोग सांप से डरते हैं, है ना, तो वो आपको अलग दिखेगा कि सोशल एंजाइटी वैसे सांप है, अगर मान लो हम सिचुएशन को मान लें कि सोशल सिचुएशन उससे कंपेयर करेंगे वो सांप जैसा है, तो सोशल एंजाइटी वाला उसको देखेगा, दूर से देखेगा और वो उसको अवॉइड करेगा, उसको फिजिकल सिम्टम नहीं आ रहा है, बस उसको एंजाइटी है उससे। लेकिन फोबिया वाला व्यक्ति जो है सिर्फ वो देखने मात्र से उसके अंदर एक डर का, एक घबराहट का, एक फिजिकल लक्षण उसमें डेवलप हो जाते हैं, तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि फोबिया है उसको और पर्टिकुलर सिचुएशन से है, मतलब उसको स्टेज फोबिया कह सकते हैं हम, या जब वो ग्रुप में एक साथ बहुत सारे लोगों के पीछे बात करेगा तब उसको इस तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे। सोशल एंजाइटी वाला व्यक्ति तो अपने कम्फर्ट जोन में ज्यादा रहता है, वो एक व्यक्ति से भी मिलना पसंद नहीं करता, मतलब ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें कि सोशल एंजाइटी किसी व्यक्ति में है तो उसके जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, और अगर हम बच्चों की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एज के बाद में व्यक्ति के लिए अगर वो वैसा है तो लोग उस चीज को अडॉप्ट करने लगते हैं, कहीं ना कहीं उसके उस नेचर को भी वो एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, लेकिन अगर बच्चों के अंदर वो चीज डेवलप हो रही है जिनके आगे बहुत सारी चीजें हैं, जिन्हें स्कूल भी जाना है और बहुत सारी सोसाइटी में इंगेज होना है, तो बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है कि किस तरह की परेशानियां उनको सामना करना पड़ती है, किस तरह की परेशानी? देखिए, सोशल एंजाइटी वाले बच्चों में कई बार आपको देखेगा कि वो स्कूल जाना पसंद नहीं करेंगे, कई बार उसमें स्कूल फोबिया डेवलप हो जाता है, तो ऐसे बच्चे हमेशा घर पे रहकर पढ़ना पसंद करेंगे या आपके ट्यूटरिंग पसंद करेंगे, लेकिन हमेशा स्कूल जाने में, क्लास में जाने में डिफिकल्टी महसूस करेंगे और उसको अवॉइड करेंगे। ऐसे बच्चे पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं लेकिन हम उसका ओवरऑल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें सोशल स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए, उसको उसके अंदर बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स हमको डेवलप करनी है, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, अपनी क्वालिटी को लोगों तक पहुँचा पाता है, जो वो जानता है, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी स्किल्स हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ पढ़ाई करेगा और अपनी सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करेगा तो उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उसको उस एंजाइटी से बाहर लाया जाए जिससे कि वो स्कूल में ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, उसकी इंटरपर्सनल रिलेशंस बेहतर हों लोगों के साथ, तो ये जरूरी है कि हम उसको पहचाने और इस तरह से उसको उसके डेवलपमेंट में उसकी मदद करें। जी, कहीं ना कहीं करियर में भी काफी प्रभावी साबित होता होगा। जी, करियर में वो प्रभाव डालता है क्योंकि करियर में लोग जैसे उनको किसी उसमें प्रमोशन मिल रहा है तो वो ऐसे प्रमोशन को अवॉइड कर देंगे, जब वो उनको लगेगा कि मैं इस पोस्ट पर आऊंगा तो मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा तो वो उस प्रमोशन को नहीं लेगा और वो मीटिंग्स को अवॉइड करेगा, वो हमेशा वो जो कुछ भी अचीव कर रहा है उसको अपने
ऑफिसर्स के सामने उसको एक्सप्रेस करने में, उसको डिस्प्ले करने में उसको डिफिकल्टी महसूस होती है, तो हमेशा वो उस चीज को अवॉइड करता है, तो कभी भी हाईलाइट नहीं हो पाता है, वो अच्छा करते हुए भी लोगों की नजरों में नहीं आ पाता है। तो उसके साथ ही अगर हम सोशल एंजाइटी की बात करें कि सोशल एंजाइटी का अगर हमें आभास होता है तो हमें डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए, मतलब क्या राइट टाइम है कि अगर हमें उस टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए तो हम इस बीमारी से कहीं ना कहीं बच सकते हैं। इनिशियल लेवल पर अगर आप कंसल्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितनी बीमारी पुरानी होती है उतना ही टाइम लगता है उसको ठीक होने में। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरे चले जाती है और हम बहुत सारी माल एडॉप्टिव बिलीफ डेवलप कर लेते हैं, हमारे थॉट पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, उसकी एक कंडीशनिंग हो जाती है, वो एक एडॉप्टेशन हो जाता है जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत इनिशियल लेवल पर अगर हम ये चेंजेस महसूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसी समय संपर्क करना चाहिए, वो सबसे सही समय होता है कि हम शुरुआत में ही संपर्क करें। जी, तो वही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सोशल एंजाइटी बड़ी ही आम बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, या फिर इस बीमारी के पीछे कुछ तरह के लोग होते हैं, कुछ तरह की ऐसी परेशानी या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि उसी तरह के लोगों को ये बीमारी होती है? देखिए, मैं बात करता हूँ, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और ये माइल्ड मॉडरेट सीवियर लेवल पर देखने को मिलती है। हम ये कह सकते हैं 10 में से 1 व्यक्ति में सीवियर सोशल एंजाइटी होती है, और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि 10 में से करीब 3 से 4 लोगों में सोशल एंजाइटी होती है। तो हम ये बहुत बड़ा रेशियो है, 40% लोग इसमें आ जाते हैं, तो 40% पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एंजाइटी सफर करती है और उनको कहीं ना कहीं किसी तरह की साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है। तो ये जो लोग हैं, आप जो कह रहे हैं कि 10 में से 3 से 4 लोग हैं ऐसे जो इस बीमारी से, फिर यूं कहूं कि सोशल एंजाइटी से सफर कर रहे हैं, तो अगर उस तरह के लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम डॉक्टर से कंसल्ट ना करें और हम खुद ही इस चीज पे, मतलब खुद ही इस चीज को काबू में कर लें, या खुद ही हम इस चीज को, जैसे कई बीमारियां ऐसी होती है कि घर वाले कहते हैं कि घरेलू इलाज कर लें, तो क्या ऐसे भी कुछ संभव है, या फिर उन लोगों को जरूरी है कि कहीं ना कहीं वो एक डॉक्टर से कंसल्ट करें तो ही वो इन सब चीजों से बच पाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। अगर आपको सोशल एंजाइटी बहुत माइल्ड है या बहुत इनिशियल लेवल पर शुरू हुई है तो आप अपने लेवल पर भी उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, और उसको ठीक करने के आपको 2 तरीके इस्तेमाल करने हैं। एक तो अपने आप को रिलैक्स करना है, मतलब ये मानिए कि अगर आप रिलैक्स हैं तो आपको एंजाइटी नहीं होगी, आपको किसी तरह का फियर नहीं होगा। अगर आपको किसी तरह का फियर है, एंजाइटी है, तो इसका मतलब है कि आप रिलैक्स नहीं हो। तो सबसे पहले अपनी लाइफ में कोई भी एक रिलैक्सेशन टेक्निक, आपको इंटरनेट पर बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स मिलेंगे जिनको आप यूज कर सकते हो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करके अपने आपको रिलैक्स करना है। और दूसरी बात आती है एक्सपोजर, यानी कि आपको अपने कम्फर्ट जोन से आपको बाहर आना है और आपको ज्यादा से ज्यादा उन सिचुएशंस को उसका सामना करना है, अवॉइडेंस नहीं दिखाना है। और तो रिलैक्सेशन और एक्सपोजर, ये 2 तरीके से आप अपनी एंजाइटी को ठीक कर सकते हो, और धीरे धीरे ये ठीक होगी। आपको एकदम से नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे करना है वो एक्सपोजर, बहुत छोटी छोटी सिचुएशन से शुरू करते हुए बड़ी सिचुएशन तक जाना है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी एंजाइटी कम होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जी, तो अगर हम रेशियो की बात करें तो बच्चों में कितने प्रतिशत तक सोशल एंजाइटी पाई जाती है, और बच्चे कैसे इस बीमारी से या फिर सोशल एंजाइटी से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि जब वो ग्रो करते हैं तो शायद वो लोगों के बीच ही रहते हैं, उसके बाद वो स्कूल जाते हैं तो भी वो लोगों के बीच ही जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में होते हैं वो, उनके टीचर्स होते हैं और उनकी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है उसमें भी वो काफी इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चों को ये बीमारी कैसे हो जाती है और कितना प्रतिशत रेशियो है इसका? ये जब हम बात करें कि बच्चों की, तो बच्चों में हम ये कह सकते हैं कि 10 में से 1 बच्चा आपको सोशल एंजाइटी का मिलेगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सोशल सिचुएशंस को फेस करते हैं तो अगर उनके अंदर जेनेटिक्स है या उनके अंदर संभावना है तो वो धीरे धीरे वो उनके अंदर फिर एंजाइटी आती है। तो हम ये मान सकते हैं कि 1% से शुरू होकर ये 10% से शुरू होकर 30 से 40% तक जाती है। तो बच्चों में अगर हम बात करें तो 10 में से 1 बच्चा कहीं ना कहीं एंजाइटी सफर कर रहा होता है। तो संजीव जी, अंत में मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएं या फिर कुछ ऐसी आदतें बताएं जिनको अगर वो अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं तो वो कई तरह की मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं और कहीं ना कहीं सोशल एंजाइटी से भी बच सकते हैं। जी जी, मैंने आपको बताया कि आप अगर एंजाइटी है तो आप, जैसे मैंने बताया, रिलैक्सेशन और आपके एक्सपोजर
एक्सपोजर से आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एंजाइटी नहीं है और आप चाहते हो कि आपको एंजाइटी कभी ना हो, तो अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर रखिए, पॉजिटिव रहिए, आप अपने लिए टाइम निकालिए, सुबह योगा प्राणायाम मेडिटेशन इन चीजों से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा सोशलाइज रहिए। हम लोग कभी भी आपको जब भी मौके आते हैं गैदरिंग के या लोगों से इंटरेक्ट करने के, आप उसको अवॉइड मत करिए, क्योंकि हो सकता है शुरू में आपको पता ना चले कि आपको लगे कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो सबकॉन्शियसली आपका अंदर वो सोशल एंजाइटी डेवलप हो रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उसे अवॉइड कर रहे हैं आप इस सिचुएशन को, तो डेफिनेटली आप उनका जरूर सामना करिए, उस गैदरिंग का हिस्सा बनिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए लोगों के बीच, तो आपकी एंजाइटी, ये सोशल एंजाइटी कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और आपने हमारे दर्शकों से चर्चा की। कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग होंगे जो शायद सोशल एंजाइटी जैसी किसी चीज से सफर कर रहे होंगे, तो बिल्कुल वो आपसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। आपका नंबर भी कंटिन्यूस हमारे साथ स्क्रॉल पे बना हुआ है, तो लोग देख सकते हैं कि कैसे वो संजीव जी से जुड़ सकते हैं या फिर कैसे वो किसी भी तरह के डॉक्टर से चर्चा करके एक बार इस विषय पे समझ सकते हैं कि इस बीमारी से उन्हें बचना है। तो वही मैं भी आप सभी से इजाजत चाहूंगी, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ राइट्स पर।